हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जे 2M चैनल पे। आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं, कल रात को शाम से यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास एक प्रकार का मैसेज उनके मोबाइल पे देखने को मिल रहा है, अगर आपका DBT लिंक नहीं है तो लिंक करवा लीजिए। इस प्रकार का मैसेज जो है रिफ्लेक्ट देखने को मिला छात्रों के मोबाइल में। जी हाँ, देख सकते हो, डियर एप्लीकेंट कॉन्टेक्ट यूर बैंक टू सीट आधार विथ यूर बैंक अकाउंट टू रिसीव आधार बेस्ड पेमेंट नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NIC। जैसा कि आप सबको पता है, नेशनल स्कॉलरशिप तरफ से जो आधार बेस का पेमेंट देने लगा है, मतलब अगर आपका DBT लिंक रहेगा बैंक अकाउंट से तभी आपको पेमेंट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, नहीं तो पेमेंट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो उसी के तहत पर NSP ने ये नोटिफिकेशन एक रिमाइंडर जारी किया है सब स्कीम सब जो छात्रों ने अप्लाई किया है फॉर्म को, चाहे वो 2022-23 में अप्लाई किया है, चाहे वो 2023 में अप्लाई किया है, सभी छात्रों को ये करवाना जरूरी है, चाहे वो फ्रेश देख रहा हो मेरी वीडियो, चाहे वो रिन्यूअल के छात्र क्यों ना देख रहे हो। ठीक है, अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि देखो, आधार बेस पेमेंट का मतलब ये है कि आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर आपको पता है कि आपका, क्योंकि आप सब बोलते हो कि अब हमारा बैंक अकाउंट आधार कार्ड से खुला हुआ तो आधार कार्ड लिंक होगा, जरूरी नहीं है कि, क्योंकि इसको चेक करने के तरीके हैं, इसको चेक करने के दो तरीके मैंने आपको बता रखे हैं कि आप UIDAI की साइट में जाके इसको चेक कर सकते हो, नहीं तो आप हमारी के स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट में जाके scholarshipworld.com की साइट में जाके इसको आप चेक कर पाओगे। ठीक है, जैसे इस साइट में जाने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर आना है, NSE पेमेंट कब मिलेगा इस वाले पोस्ट पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि भाई क्या होता है, सीडिंग क्या होता है, कैसे आपको करवाना है। ठीक है, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के माध्यम से करवा सकते हो। पहले तो आपको ये चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट सीडिंग है या नहीं। ठीक है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है, ये देख सकते हो UIDAI की साइड वाली लिंक दे रखी है मैंने। इस पे जाने के बाद आपको सिंपली जाना है, आपके पास इस प्रकार का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा यहाँ पे, जिससे आप आसानी से DBT चेक कर सकते हो कि आपका है नहीं। आप बैंक सीडिंग स्टेटस में जाएंगे, बैंक सीडिंग स्टेट में जाकर आपका UID नंबर और आपके आधार कार्ड में जो OTP आएगा वो कैप्चर भरने के बाद सबमिट करेंगे, आपको दिखा दिया जाएगा कि आपका आधार कार्ड किस बैंक अकाउंट से लिंक है। जिस भी बैंक अकाउंट से आपका लिंक रहेगा उसमें आपके अकाउंट में पैसा पहुँच जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने, आपके 10 अकाउंट है, 10 अकाउंट बैंक से लिंक है, कोई से भी एक अकाउंट अगर लिंक रहेगा DBT से तब भी आपका चल जाएगा, लेकिन कोई ना एक अकाउंट होना चाहिए। अगर एक भी अगर अकाउंट आपका लिंक नहीं है DBT से, तो मैं आपको कहूँगा आज ही अपने बैंक में जाके, आज ही अपने नज़दीकी कहीं भी शाखा में जाके अपने इस चीज़ को चेक करवाएं और जल्द से जल्द DBT को लिंक कराएं, क्योंकि आजकल जो भी पैसा है वो DBT के माध्यम से आ रहा है। खासकर मैं कहूँगा जिन बच्चों का रिन्यूअल है 2022 से, जिनका अभी आपका सेंट पेमेंस हुआ है या जिनका भी अभी टोकन नंबर जनरेट हुआ है, उन सबके लिए खासकर निर्देश यही कि बैंक अकाउंट को लिंक जल्द से जल्द करें। और जो फ्रेश मेरी वीडियो को देखे, जिनका इंस्टा वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो चुका है 2023 में, जिन्होंने अप्लाई किया है, वो बच्चे भी फटाफट चेक करें और जल्द से जल्द बायोमेट्रिक और जल्द जल्द DBT को लिंक करवाएं।